आस्था स्पेशल ट्रेन का कटरा रेलवे स्टेशन पर पूर्वोत्तर रेलवे के DRM ने किया स्वागत। ट्रेन में सवार सभी श्रद्धालुओं को इलेक्ट्रॉनिक बसों में भेजा गया। अयोध्या बुधवार के अपराह्न इसी ट्रेन से श्रद्धालु का होगा वापसी। गदगदी के श्रद्धालु लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। जैसे ही मालूम हुआ कि बिहार प्रदेश में मुंगेर जनपद की श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं को लेकर आस्था स्पेशल मंगलवार की सुबह कटरा रेलवे स्टेशन पर आई। इन ट्रेन में सवार करीब 1100 श्रद्धालु का स्टेशन पर पूर्वोत्तर रेलवे के DR एवं आदित्य कुमार ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। इस ट्रेन में कुल 20 कोच लगे हुए थे जिसमें 1038 श्रद्धालु सवार थे। इन सभी को अयोध्या धाम ले जाने के लिए स्टेशन परिसर के बाहर 3 दर्जन इलेक्ट्रॉनिक बसें लगाई गई थी। इन बसों में यात्रियों को बैठा करके लोलपुर ओवरब्रिज हाईवे होते हुए अयोध्या ले जाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं का स्वागत ढोल नगाड़े बजाकर किया। कटरा भोगचंद गांव में प्रधान प्रतिनिधि सुभाष यादव ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि दर्शन के लिए आए सभी श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, इसके लिए स्थानीय लोगों ने जोरदार तैयारी कर रही है। लोग सहयोग भी करते दिखे। स्टेशन मास्टर राम नयन यादव ने कहा कि ये ट्रेन कल अपराह्न 3 बजे के आसपास पुनः अपने गंतव्य के लिए जाएगी। इसी श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, इसके लिए स्टेशन परिसर बाहर टेंट सहित लगभग सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गया है।